महाराष्ट्र में सोलापुर के किसान अभिजीत गोसावी के पास 32 एकड़ जमीन है। वो पूरी जमीन की सिंचाई इसी सोलर पंप से करते हैं। पिछले 8 वर्षों से ना तो उन्होंने बिजली का बिल दिया है और ना ही उन्हें बिजली के रोस्टर की चिंता है। ज्वार और कपास की जगह वो गन्ना संतरा जैसी ज्यादा मुनाफे वाली फसलें ले रहे हैं। आता माझे सोलर वर मी आता बाग केलेली आहे। डाळिंब लिंबुनी सीताफळ आणि संत्रे आणि मोसंबी आणि ऊस। सिर्फ महाराष्ट्र ही नहीं, देश के कई राज्यों में कृषि कार्यों खासकर सिंचाई के लिए बिजली का रोस्टर सिस्टम है। 8-8 घंटे के रोस्टर में कभी बिजली दिन, कभी दोपहर तो कभी रात में मिलती है। रात के रोस्टर के दौरान किसानों को रात में जागना पड़ता है। ऐसे में किसानों के पास सोलर इरिगेशन पंप शानदार विकल्प बने हैं। जमीन असून काय उपयोग ना होता मला थोडक्यात म्हटलं तर चालेल, कारण का तर लाईटीचा एक 8 तासाचा कालावधी, त्या 8 तासामध्ये लाईट 4 तास शेतीला भेटायची आणि शेतीत ज्वारी लावा ऊस लावा मला वेळेवर पाणी देता येत नव्हतं। मी मग जैन सोलरचा फॉर्म भरला, फॉर्म भरल्यानंतर मला एक 3 महिन्यात मंजुरी आली। मंजुरी आल्यानंतर मी सोलर पंप बसवला जैनचा। मग सोलर पंप बसवल्यानंतर मला पाणी योग्य असा उपयोग करता आला पाण्याचा। महाराष्ट्र में 80% से ज्यादा कृषि योग्य जमीन बारिश के पानी पर निर्भर है। ऐसे में किसान खेतों में फार्म पाउंड बनवाकर बारिश और भूमिगत जल को धीरे धीरे तालाबों में इकट्ठा करते हैं, जिसमें बाद में सोलर पंप की सहायता से अपनी मर्जी की खेती करते हैं और मुनाफे की फसलें उगाते हैं। जैन इरिगेशन के सोलर पंप में न सिर्फ बेहतरीन क्वालिटी है बल्कि इस तरह से डिजाइन किए गए हैं कि बिना किसी मेंटेनेंस के भरपूर पानी देते हैं। ये सोलर मी 2018 साली बसवला होता, आज 2025 चालू आहे। आजपर्यंत मला 1 रुपया ह्या मेंटेनेंस आलेला नाही आणि काही प्रॉब्लेम आला तर त्यांचे इंजिनियर येतात बघून जातात। ह्या सोलरच्या प्लेटा पूर्वेकडे पण फिरतात आणि पश्चिमेकडे पण फिरतात। ही सोलर अत्युत्तम सोलर आहे। सिर्फ महाराष्ट्र ही नहीं, राजस्थान और हरियाणा से लेकर जिन राज्यों में किसानों ने जैन सोलर पंप को अपनी खेती का साथी बनाया है, वो कम पानी में भी भरपूर फसलें उगा रहे हैं। राजस्थान के सीकर में संतोष देवी खेदड़, जयपुर के पॉली हाउस में खेती करने वाले दिलजीत मीणा या फिर श्री गंगानगर के किन्नू के बड़े किसान सुखविंदर सिंह, जैन इरिगेशन के बेजोड़ सोलर पंप इनकी तरक्की की राह को सींच रहे हैं। मैदानी इलाकों के साथ ही पहाड़ों पर भी सिंचाई अब मुश्किल नहीं है। हिमाचल उत्तराखंड से लेकर झारखंड तक किसान जैन इरिगेशन के सोलर पंप से मनचाही फसलें और बागवानी कर रहे हैं। जिन किसानों ने जैन इरिगेशन के सोलर पंप को ड्रिप इरिगेशन या स्प्रिंकलर सिस्टम से जोड़ा है, वो मुफ्त सिंचाई के साथ ही 40-70% तक पानी भी बचा रहे हैं। किसानों को ना बिजली की चिंता रहती है ना पानी की, खेत भी मुस्कुराते हैं और किसान भी। आप भी सूरज की असीमित ऊर्जा से सोलर पंप चलाकर डीजल बिजली का खर्चा बचाइए, खेतों को मुनाफे की फसलों से हरा भरा कीजिए।